पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो औरों के लिए जिए उन्हीं में क्षमता होती है कुछ बदलाव लाने की। एक शख्स जिनके हाथ में एक पर्चा आया, उस पर्चे पर लिखा था कि अस्थमा की बीमारी ध्यान से ठीक हो सकती है। वो इंसान उस ध्यान केंद्र में गया ध्यान सीखने के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए, ताकि वो ध्यान को सीखे और अपने माँ की अस्थमा की बीमारी के बारे में समझकर अपनी माँ को ध्यान सिखाकर अस्थमे की उस बीमारी को दूर कर सके। जी हाँ दर्शकों, वो कोई और नहीं बल्कि ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर थे, जो पिछले 18 वर्षों से पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पत्री सर से ध्यान सीखा। और जैसा कि पत्री सर कहते हैं कि अगर आपको ए आता है तो आप ए सिखाएं, उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया। थोड़ा सा ध्यान सीखा और ध्यान प्रचार करना शुरू कर दिया। जी हाँ दर्शकों, हमने पिछले भाग में चर्चा की थी ध्यानरत पीवी राम राजू सर से, उनसे समझा था ध्यान के बारे में, ध्यान प्रचार के बारे में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे सर का। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्ते मैडम। सर, जैसा कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की ध्यान प्रचार के बारे में, ध्यान के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे विभागों में जाकर ध्यान सिखाया है, बहुत सारे क्षेत्रों में ध्यान सिखाया है, क्या आज भी कुछ ऐसे विभाग हैं जहां हमें ध्यान सिखाना चाहिए लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, आप उसके बारे में बताइए। नॉर्थ इंडिया में हम गांव में नहीं गए। मैं 18 साल से ध्यान प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में टाउन्स तक पहुँचा हूँ, लेकिन गांव में नहीं पहुंचा हूँ। क्योंकि पत्री सर भी आते थे, लेकिन क्लासेस ऑर्गेनाइज करने वाला, अरेंज करने वाला हमको सिर्फ शहर लोगों में मिले। नॉर्थ इंडिया में स्कूल्स में कवर किया, कॉलेजेस में कवर किया, रोटरी क्लब्स में किया, ध्यान यज्ञ किया, प्रोग्राम्स किया, लेकिन हम गांव में नहीं गए। लेकिन जब हम देखेंगे तो ये कोविड के टाइम में हम बहुत सारा ऑनलाइन वर्कशॉप्स किया है। मैंने अभी तक तो 15 वर्कशॉप्स किया हूँ ऑनलाइन में, जब से कोविड आया। JDTP हो सकते हैं, सेहत विजडम हो सकते हैं, न्यू एनर्जी हो सकते हैं, ध्यान प्रचार कैसे करें वो भी एक वर्कशॉप किया हूँ, मैं 3 बार किया हूँ उसका। और 40 मास ऑफ 40 मैसेजेस, करोना ध्यान, ये सभी ध्यान सेशंस होने की वजह से लाखों लोग जुड़ गया ये 2 साल में। इसका वजह से गांव का लोग भी जुड़े हैं, लेकिन फिजिकली गांव में नहीं गया कोई भी मास्टर है। साउथ इंडिया में देखेंगे तो उधर हर गांव में ध्यान पहुंचे। पत्री जी ने हर गांव में गया था और पत्री जी ने बहुत सारे मास्टर्स को ट्रेनिंग किया। पत्री जी ने ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन क्या है कि वो सभी मास्टर्स ने पत्री जी के साथ रहते हुए सब कुछ सीखा। पत्री जी सबके लिए एक ही थे, लेकिन ये जो चित्र सीनियर मास्टर्स है, पत्री जी के साथ रहते हुए उनका तमन्ना से सब कुछ सीखा, वो मास्टर्स भी गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके ध्यान प्रचार किए। मैं देखा था कि हमारा आंध्र प्रदेश में ध्यान ग्रामीण के प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट में जितना भी तालुक होते हैं, तहसील्स होते हैं, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 30 तहसील्स होते हैं तो 30 व्हीकल्स लिया, 30 वैन्स लिया, उस वैंस के ऊपर एक पिरामिड लगाया और शाकाहारी बनो, ध्यानी बनो, कोटेशंस उस वैन में रहेगा, पॉम्पलेट रहेगा, पिरामिड कैप्स रहेगा, एक टीवी भी रहेगा, ताकि वो वैन जाएगा गांव में ध्यान प्रचार के बारे में बताता रहेगा। और उस वैन के साथ 2-3 मास्टर जाएंगे, उस गांव का सरपंच से मिलते थे, वो सरपंच को मिल के बताते कि हम ध्यान से करने के लिए आया, आप कुछ लोग इकट्ठा कर सकते हैं क्या, आपके एक मंदिर होंगे उस मंदिर में इकट्ठा करो, जैसे ही ऐसा करेंगे तो
तो क्या होते हैं कि वो गांव सर तो सबको बताएंगे, वो 50 लोग 100 लोग आएंगे, उनको ध्यान सिखाया, उसमें से एक दो बंदा है इंटरेस्ट दिखाने वाला रहेंगे, वो लगे हमको मास्टर बनेंगे आने वाला समय में। ऐसा मैं भी आंध्रा में जब थे उस समय मैं प्रचार किया था, उसको वो अनुभव है, मुझको ध्यान प्रचार में हर एक मोड का अनुभव है। ध्यान का अनुभव नहीं है मुझको इस जन्म में, लेकिन ध्यान प्रचार में ए से लेके जेड तक कहाँ कहाँ मोड आएगा, कहाँ लोग रुकेंगे, कहाँ अपशकल आती है, हर एक मोड मैं जानता हूँ, क्योंकि इतना अनुभव मैं पाया हूँ इस 18 साल में। तो हमको नॉर्थ इंडिया में गांव का तरफ जाने वाला चाहिए। पत्री जी भी इतना बार आया जितना आंध्र में प्रचार किया, नॉर्थ इंडिया में प्रचार किया, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बहुत से मास्टर्स कोई भी है घर से बाहर निकल के प्रचार करने के लिए रेडी नहीं थे। पत्री जी इतना घूमे हैं, उसके बाद मैं घूमा हूँ, अभी अभी कुछ मास्टर्स घूम रहे हैं, लेकिन पूरा इंडिया में घूमने वाला कोई भी नहीं है जितना साउथ इंडिया में मास्टर्स बाहर जाकर प्रचार करने वाला इतना नहीं है। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से लेके नॉर्थ इंडिया में कुछ मास्टर्स बाहर आया, क्योंकि ज़्यादा मास्टर्स जो नॉर्थ इंडिया में आया वो लेडीज़ है, वो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं घर में कुछ रेस्ट्रिक्शन से, लेकिन अभी वो लोग सेवा कर रहे हैं जूम में, बहुत सारे वर्कशॉप्स में एडमिन के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं, और जूम में वो लोग काम कर रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल ओपन करके काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा ध्यान पहुँच रही है, लेकिन मैक्सिमम पहुँच रही है शहरों में, टाउन्स में, लेकिन गांव नहीं पहुंचे हैं। अभी मैं भी 18 राज्यों में गया था, लेकिन मेन शहर में गया हूं मैं, लेकिन गांव में नहीं गया हूं मैं भी। तो गांव में जाना चाहिए, जब गांव में जाएंगे तभी गांव का लोग हैं बहुत मासूम होते हैं, वो लोग जैसे ध्यान में बैठेंगे उनका फटाफट ठाड़े एक्सपीरियंस आएंगे, ध्यान का अनुभव अच्छा होंगे, उनके लॉजिकल माइंड नहीं चलेगा। जितना शहर का लोग ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं ज़्यादा लॉजिकल माइंड चलेगा, उन लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होते। मैं देखा हूँ कि ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ है वो है गांव का लोगों में, मैं आंध्रा में देखा हूँ। अभी इस दिसंबर में पत्री जी ध्यान महायाग हुआ, एक दिन में 30,000 लोग आते थे पर डे, 11 दिन का हुआ है, तो इतना गांव का लोग आते हैं, उन लोगों को बताएंगे तो उन लोगों का क्या अनुभव है। उन लोगों ने श्री राम जी से देखा, हनुमान जी से बात किया, शिव जी से बात किया, सभी मास्टर से वो लोग बात किया, सभी किताब को समझते हैं, पढ़ाई लेके नहीं किया वो लोगों ने, लेकिन वो लोगों का आध्यात्मिक अनुभव अद्भुत है। तो हमको ये एरिया है कम है, उस एरिया में हम फोकस करना चाहिए। और मैं एक सजेशन देता हूँ जो ध्यान प्रचार करने वाले को, बहुत सारे लोग क्या कि ध्यान प्रचार मतलब स्कूल तक ही जाते हैं, शुरुआत में स्कूल तक पहुँचे सही है, लेकिन सिर्फ स्कूल्स में ही जाते रहेंगे तो क्या होते हैं कि एक बार गया बाद में क्या है कि अगर प्रिंसिपल ने सेकेंड डे परमिशन नहीं दिया उस समय क्या होगा, फिर नहीं जा सकते। हमको पहले उस शहर में कुछ मास्टर्स को तैयार करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट क्या है कि आपके साथ रहने के 50 मास्टर्स तैयार करके रखना है, जो मास्टर्स को तैयार किया उनको ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स में भेजना चाहिए ताकि वो लोग बच्चे का इंट्रैक्शन करके स्कूल सिखाएंगे। मैं जब भी जाता हूँ स्कूल में जाता हूँ मैं बच्चों को नहीं सिखाता हूँ, सिखाने के लिए जाता बच्चों को, लेकिन मैं फोकस करता हूँ टीचर्स में। तो उस स्कूल में वो टीचर्स जो बैठे हैं उसमें कौन इंटरेस्ट दिखा रहा है, किसको अनुभव आया, तो 10 टीचर बैठे हैं, 400 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि हमको बच्चे को बार बार सिखा नहीं सकते, लेकिन एक टीचर हमको हमारे पास आया ना, ये टीचर बार बार ध्यान सिखा सकते हैं, वो टीचर कैसे मास्टर बना सकते वही मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद वो टीचर का एड्रेस ले लूँगा, उसके बाद उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड करूँगा या मेरा कॉन्टैक्ट में रखूँगा, उसको ट्रेन करूँगा, ताकि वो टीचर एक बार आ गया तो स्कूल में जाने की ज़रूरत ही नहीं हमको, क्योंकि वो टीचर ही आगे लेके जाएगा। सर हम ध्यान प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी इम्पोर्टेंस ध्यान प्रचार की है उतनी ही ध्यान प्रचार केंद्रों की भी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो जगह जगह हम ध्यान प्रचार के केंद्र खुलवाना चाहते हैं, लगातार खुलवा रहे हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कारण है, इसके बारे में बताइए। ध्यान का केंद्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी की वजह से जब हम इस कोविड टाइम में जितना भी वर्कशॉप्स किया है ये वर्कशॉप में तो लाखों लोग जुड़ गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान तो जानकारी किया लेकिन जो नॉलेज वो लोग पाया है इस नॉलेज प्रैक्टिकल रूप में बदलना है, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान है, सुनना ज्ञान नहीं है। वो लोग श्रवण किया, श्रवण करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मनन, उसके बाद अभ्यास, लास्ट है साक्षात्कार, साक्षी के रूप में बनना। तो सुने हैं सब लोग
लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप में बदलने के लिए वो प्रचार करने का जरूरत है। इसी की वजह से हमने क्या किया है कि लास्ट टू लास्ट ईयर में ध्यान प्रचार कैसे करें, पिरामिड ध्यान केंद्र को कैसे स्थापना करें, इसका वर्कशॉप हुआ। उस वर्कशॉप पे बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, उसकी वजह से वो वर्कशॉप अभी तक 3 बार किया। अभी तक हमको नॉर्थ इंडिया में 142 मेडिटेशन सेंटर्स आया, ये सभी हमारा पीएमसी हिंदी वेबसाइट में है, 142 सेंटर इंडिया में। तो जब हम मेडिटेशन सेंटर खोलते हैं उस समय क्या होते हैं कि हमारा घर है ऊर्जावान बन जाती है, और जितने मेडिटेट्स होते हैं हम सब में मिलने की जगह हो जाती है, वो जगह सज्जन संगत कर सकते हैं। हमारे घर में रहेंगे ध्यान भी कर रहे, लेकिन घर में कभी कभी सिचुएशंस बदलता रहेंगे, तरह तरह चैलेंजेस होंगे घर में। उस समय क्या होते हैं कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आके वो ध्यान केंद्र में जाएंगे तो क्या होते हैं कि सबका एनर्जी से ना एक जगह आएगा, एक दूसरे को देख के मोटिवेशन आएगी, और उस ध्यान केंद्र में ऊर्जा होती है। जहाँ पिरामिड ध्यान केंद्र होती है हर जगह पर ध्यान करते हैं, उस जगह पर ऊर्जा होती है। अगर उस जगह पर जाकर थोड़ी देर भी ध्यान किया 1 घंटा, हम कनेक्ट हो जाएंगे, फिर अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमको ये ऊर्जावर स्थान चाहिए। ये सभी मंदिर है, चर्चे, ये सभी क्यों बने हैं, मस्जिद है, ये ऊर्जा का क्षेत्र है। लेकिन वो क्षेत्र में क्या हो रहा है, सिर्फ मंदिर मतलब हिंदू लोग ही जाना है, चर्च मतलब क्रिश्चियन जाना है, ऐसा हो गया। लेकिन पिरामिड ऐसा जगह है, इधर नास्तिक भी आ सकते हैं, हिंदू आ सकते हैं, क्रिश्चियन आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। एट द सेम टाइम वही मंदिर में जाके ध्यान करने के लिए भी नहीं है। बहुत सारे मंदिर में जाके मैं ध्यान करने के लिए कोशिश किया, मंदिर बने हैं ध्यान के लिए, शक्ति क्षेत्र है, लेकिन उधर बैठने की जगह ही नहीं है, क्योंकि इतना कर्मकांड और रिचुअल्स हो गया कि उधर ध्यान कर भूल ही गए लोग। तो हर एक मंदिर को में ध्यान करना चाहिए। इसी के पीछे ही पत्री जी ने ये पिरामिड का स्थापना की, ताकि पिरामिड में जाके लोग ध्यान करें, अपने आप से कनेक्ट हो जाए। तो पिरामिड ध्यान केंद्र है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सब लोगों के लिए। हर एक पिरामिड मास्टर एक ध्यान केंद्र खुद खोल ले सकते हैं, लेकिन दूसरों को मोटिवेट करके खोलवा सकते हैं। मैं खुद नहीं खोला हूँ, मैं खुद खोलूँगा तो क्या होगा, मैं एक ही जगह पर सीमित रहूँगा। मेरा काम एक जगह एक सेंटर का नहीं है, मेरा काम 1 लाख सेंटर चाहिए मुझको, इसलिए मैं लाखों लोगों को ध्यान सिखा रहा हूँ मैं। तो हम भी क्या करें, किसी दूसरों को ध्यान सिखाएगा तो उसको मोटिवेट करेगा तो वो सेंटर खोल सकते हैं ना, ऐसा हमको सेंटर खोलना ज़रूरत है। और एक मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि ऑनलाइन सेशंस और ऑफलाइन सेशंस, बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन सेशन को प्रेफर कर रहे हैं ये कोविड आने के बाद। ठीक है, घर में बैठ के कनेक्ट होने का अच्छा है, लेकिन हमारा ज़्यादा प्रगति है फिजिकल सेशंस में ज़्यादा होती है। जब भी हम प्रचार करने के लिए फिजिकली जाते हैं उधर एनर्जी एक्सचेंजेस होते हैं और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर मिल जाते हैं। ऑनलाइन में सभी तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा लेकिन प्रैक्टिकली हम उस मास्टर के साथ बैठना, वो मास्टर क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं बता सकते हैं मास्टर, और कुछ करेक्शन भी करेंगे। मैं कहीं भी ज़्यादा जगह पर जाता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, असर इस जगह पर इधर कमी है। तो अभी मैं 2 दिन के पहले हरियाणा में कैथल सेंटर गया था, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन सेंटर है कैथल में। 100 लोग बैठ सकते हैं, 18 पिरामिड्स बने हैं उसमें, 18 पिरामिड्स 2x2 के पिरामिड बना के रखे हैं, लेकिन उधर 18 आदर्श सूत्र का पोस्टर नहीं है, एक नवरत्न का पोस्टर नहीं है और एक ध्यान करने की विधि नहीं है। मैं उनको बताया हूँ कि अभी ये पोस्टर लगाएं ताकि जो लोग मेडिटेशन के लिए आएंगे उन लोगों को ध्यान करने की क्या विधि है, आना पाना सती वो पता चलना चाहिए। PSSM का प्रिंसिपल फिलासफी क्या है, PSSM का फिलासफी 18 आदर्श सूत्र है और 9 ज्ञान रत्न है, ये जानने की जरूरत है। और एक बाहर बोर्ड नहीं है, हम एक सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए पिरामिड ध्यान केंद्र, उसके नीचे लिखना चाहिए कि फ्री है, उसके नीचे लिखना चाहिए कि टाइमिंग सुबह 2 घंटा खुलेगा, शाम को 2 घंटा खुलेगा, ऐसा ये फ्री है। ध्यान के द्वारा क्या फ़ायदा नीचे लिखना है, ध्यान के द्वारा कैसे स्ट्रेस से बाहर आएंगे, स्वस्थता कैसे मिलेंगे, रिलेशनशिप को सुधार होंगे, ये सब कुछ जो नॉर्मल समझते हैं वह बाहर लिखेंगे तो जो लोग रोड पे भी जा रहे हैं ना वो बोर्ड को देख के अंदर आएंगे ये क्या चल रही है, उसके द्वारा लोग ध्यान में कनेक्ट हो जाएंगे। तो पिरामिड ध्यान केंद्र है, अगर उसके सामने जो आपका इष्ट देव है उनका नाम रख सकते हैं, किसी को पवन पुत्र पसंद है तो पवन पुत्र पिरामिड ध्यान केंद्र,
किसी को लाड बालाजी पसंद है तो उनका नाम, किसी को बुद्धा पसंद है तो बुद्धा का नाम, आपका मर्जी, लेकिन फिर भी ध्यान केंद्र होना चाहिए ऐसा। तो फिजिकल सेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मेडिटेशन सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एटलीस्ट क्या है कि एक महीने में एक बार हर एक पिरामिड मास्टर जाना चाहिए, एक वन डे वर्कशॉप या कोई भी सीनियर मास्टर्स आया आपके गांव में, उस समय उधर जाके मिलिए, उन मास्टर से मिलिए, वो क्लास अटेंड कीजिए ताकि आप रिफ्रेश हो जाएंगे। और जब भी पूर्णिमा समय आते हैं उस समय उस रात को ध्यान कीजिए उस पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में जाके। इस तरह हफ्ते में एटलीस्ट मिलिए, हफ्ते में नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट महीने में पूर्णिमा में मिलिए, या कोई मास्टर आते हैं उस समय मिलिए। कहीं ना कहीं तरीके से आप क्या होना है, करेक्ट होना है। मैं ध्यान सीख लिया, सभी वर्कशॉप अटेंड किया, मैं सत्य क्या है जान लिया, जानने से नहीं होगा, फॉलो करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो कब होंगे, साधना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये 40 दिन किया, एक साल किया, दो साल किया से सब नहीं चलेगा। मैं 18 साल हो गया, मैं भी कुछ भी नहीं जानता हूँ, अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ। पात्री जी ने 1,00,000 किताब पढ़े, शरीर छोड़ने के पहले भी किताब पढ़ते थे वो, करोड़ों लोग ध्यान से कहे पात्री जी ने, ब्रह्मर्षि पितामह पढ़े, फिर भी वो आखिरी मोमेंट में भी किताब पढ़े। तो सीखने के लिए कहीं भी अंत नहीं है, तो हमको सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। हम बहुत कुछ सीखा हूँ सोचेंगे। मैं 6 महीने के पहले एक जगह पे गया था चंडीगढ़ में, उधर एक डॉक्टर आया, वहाँ के वो बोला है कि मैं तो आपका वर्कशॉप अटेंड किया था, असेंशन हो गया, वर्कशॉप अटेंड किया था, मैं असेंड हो गया बोल रहे। सिर्फ वर्कशॉप अटेंड किया, वो भी समझ में नहीं आया, वो क्या बोल रहे हैं, मैं असेंड हो गया। अरे भैया, तुम्हें असेंड होने के लिए कितना करना पड़ेगा, कितना सब्जेक्ट जानना पड़ेगा, वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो असेंड नहीं होंगे, आपको सब्जेक्ट जानकारी किया, वो भी पूरी तरह समझ में नहीं आया, इसलिए आप बोल रहे हैं कि मैं असेंड हो गया। वो लगातार हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सुनते रहना है, इम्प्लीमेंट करना है, सुनते रहना, इम्प्लीमेंट करना है। हमको जीवात्मा का जो विकास में जीवात्मा का गुण है ना, एक एक इंच बढ़ती है एक एक जन्म में, एक जन्म में ऐसा ही कोई बुद्धा नहीं बन जाते हैं, एक एक इंच बढ़ेगा। एक तमोगुण से रजोगुण में आने के लिए 100 जन्म, रजोगुण से सत्वगुण में आने के लिए 100 जन्म, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में आने के लिए 50 जन्म, उसके बाद निर्गुण स्थिति के लिए 50 जन्म लगेगा। ध्यान का रास्ता में आने के बाद भी आखिरी जन्म नहीं है, हमेशा उसको इंप्लीमेंट करते हुए, प्रचार करते हुए, सत्य के साथ रहते हुए चलते चलते चलेंगे, तब हमको, हम भी एक श्रीकृष्ण का स्थिति, एक बुद्धा, एक गुरु नानक देव जी का स्थिति हम पहुँचेंगे, तभी हमारा आखिरी जन्म है। ऐसा कि मैं क्लास अटेंड किया हूँ, मैं सब कुछ जान लिया हूँ सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। इसलिए फिजिकल मेडिटेशन सेंटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रोथ के लिए। जैसे क्लासेस में जाते हैं हम, तो ये क्लासेस में क्या करते हैं हम, फिजिकल लेवल में इस शरीर को पालने के लिए हम प्राइमरी स्कूल गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, कितना मेहनत किया जिंदगी का 23 साल के लिए पढ़ाई करते रहे हम, तो उसके लिए इतना मेहनत किया। फिर स्पिरिचुअलिटी में आते ही हम 30 दिन के लिए ध्यान किया, उसी के लिए बहुत एक्सपेक्ट करेंगे हम, क्या चाहिए। इधर 1,00,000 रुपये कमाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, कितना पढ़ाई करना पड़ रहा है, लेकिन फिर आध्यात्मिकता में फिर बुद्धा स्थिति चाहिए तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना साधना करना पड़ेगा। तो ध्यान प्रचार अनिवार्य है साधक के लिए आगे बढ़ने के लिए, और पिरामिड ध्यान केंद्र भी जरूरत है सबके लिए। अगर आप नए ध्यानी हैं और PMC हिंदी चैनल से जुड़े हुए हैं, ध्यान प्रचार करना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे कि कैसे आप ध्यान प्रचार करें, तो लगातार TV स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके आसपास कौन से मेडिटेशन सेंटर्स हैं इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डिंपल शरद है, मैं मुंबई से हूँ। जब से मैं पत्री सर से जुड़ी हूँ तब से मैंने मेरे ही क्लासेस के बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया, और जब जूम शुरू हो गया तब से मैंने बाकी बच्चों को भी धीरे धीरे करके ऑनलाइन जूम में ध्यान सिखाना शुरू किया। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी और मुझे बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता था। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक उसी तरह रामराजू सर
एक फादर फिगर की तरह मुझे और मेरे सभी टीम एडमिन्स को मोटिवेट करते हैं, जिससे हम सबका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। अब हम सब मिलकर पीएमसी हिंदी में ऑनलाइन और ऑफलाइन भी जाकर ध्यान प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं। मैं दिल से भत्री सर को, रामराजू सर को और पीएसएसएम के सभी मास्टर्स को दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सर, कार्यक्रम में समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी जो नए ध्यानी हमारे साथ जुड़े हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे या कैसे वो ध्यान प्रचार कर सकते हैं, इसके बारे में आपका एक छोटा सा संदेश। कोई भी बंदा ध्यान में आया है, शुरुआत में वो कोई ना कोई सीनियर मास्टर के साथ जुड़े रहना इम्पोर्टेंट है, या जिस वर्कशॉप को अटेंड किया उस वर्कशॉप में जो एडमिन है उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा मास्टर बोर्ड प्रोग्राम चल रही है ऑनलाइन में, उसमें सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो लोग अपना जो एडमिन्स है उनके साथ कंडक्ट में रहना है। नेक्स्ट क्या शो आने वाला है, हमारा एरिया में कहाँ प्रोग्राम हो रही है और क्या किताब पढ़ना चाहिए, इस तरह वो उनके मास्टर के साथ रहेंगे तो क्या होते हैं कि वो मास्टर इन्फॉर्मेशन देता रहेगा लगातार। तो कोई ना कोई सीनियर मास्टर के साथ जुड़े रहना है। अब मैं हूँ, मेरा साथ बहुत सारे मास्टर्स कनेक्टेड है, मैं हमेशा उनको ट्रेनिंग देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी जो लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, ट्रेनिंग दिया हूँ, वो सब लोग बहुत मास्टर बन गए ताकि मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा अनुभव उनको बताया हूँ। जैसे पत्री जी का अनुभव को मैंने सीखा हूँ, पत्री जी मैंने खुद को ट्रेनिंग नहीं दिया लेकिन उनको ऑब्जर्व करते हुए, उनके टीचिंग सुनते हुए मैं खुद अभी अनुभव आया हूँ ध्यान प्रचार में, मेरा अनुभव इन लोगों को बताया हूँ, इसकी वजह से अभी वो लोग ट्रेंड हो गया। जो नया लोग है, कोई ना कोई सीनियर मास्टर के साथ जुड़े रहना चाहिए, या कोई ना कोई पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, तब उनको हमेशा के लिए इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और इसका अगर ये भी नहीं है किसी को भी, उनको उनका गुरु कौन है कि पीएमसी हिंदी चैनल, एटलीस्ट पीएमसी हिंदी चैनल को देखते रहिए, पीएमसी हिंदी चैनल में क्या नहीं है। मेरा पिताजी है वो कहीं भी नहीं जाते हैं, घर में बैठते हैं, पीएमसी तेलुगु चैनल आते हैं हमारे घर में टीवी में, वो वही देखते रहते हैं। तो अगर पीएमसी हिंदी चैनल में देखेंगे तो छोटे बच्चे के लिए मस्ती के पाठशाला है, युवा के लिए जागरूक युवा है, जिसका रिश्ता बिगड़ा हुआ है उनके लिए रिश्तों की डोरी है, एक माँ कैसे बच्चों को पालना है उसके लिए माँ तो कैसी वो प्रोग्राम है, और जिनका प्रेग्नेंट है उनको कैसे प्रकाशस लेना है उसके लिए गर्भ संस्कार है, और आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए उसके लिए हमको ब्रह्म विद्या है, पत्री जी का ज्ञान भंडार है, इतना सारा शोस है हमारा। अगर ये सभी शोस देखेंगे ना वो घर में बैठे बैठे बुद्धा बन जाएंगे, इतना नॉलेज आएंगे, लेकिन उधर इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके बाद वो खुद साधना करके उसको वो नॉलेज को अनुभव के रूप में बदलना है। तो उनको क्या करना चाहिए, पीएमसी हिंदी को गुरु मानिए, उसके साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे, पीएमसी हिंदी इन्फॉर्मेशन देंगे कि नेक्स्ट वर्कशॉप क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है वो भी बताएंगे। मास्टर मिलेंगे तो अच्छा बात है, अगर नहीं मिलेंगे तो पीएमसी हिंदी के साथ रहिए, ऑटोमेटिक आपको गाइडेंस मिलेगी, बस यही मेरा संदेश है। तो बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, आपकी जो ये जर्नी है, किस तरह से 18 साल का जो सफ़र रहा है, किस तरह का रहा है, इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और जो हमारे बहुत सारे ध्यानी हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर से, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, जिन्होंने बताया कि ध्यान में वो कैसे आए, क्यों हमारे लिए ध्यान और पिरामिड सेंटर्स होना इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बताया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी नई ध्यानी की खूबसूरत जर्नी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदली जी।